Oh, thank you very much. The new subscriber is here. So, bhai, बहुत ही amazing experience है भाई इस ट्रेन का. बढ़िया है. भाई बार बार भूल जाता हूँ. भाई साहब ट्रेन की जो स्पीड है ना इस टाइम 158 किलोमीटर पर आवर है. सब बाहर का व्यू ऐसा है कि दिल ही नहीं कर रहा भाई नजर हटाने का. तो हाँ जी कितना सारे वेलकम बैक. तो जी अगर कौन नहीं आप लोग लगे तो जी आज हम खड़े हैं लाओस की सिटी वांगवेंग में और यहाँ से हमने जाना लुआंग प्रभांग की तरफ और उसके लिए हमने बुक करी है आज ट्रेन और वो भी ट्रेन नॉर्मली मैंने हाई स्पीड वाली करी है जो लाओस चाइना वाली ट्रेन है जो मुझे पड़ी है भाई यहाँ के तकरीबन 2,15,000 लाओस की. और ये ट्रेन सबसे फास्ट है. ये ज़्यादा से मेरे ख्याल से 50 मिनट ही लेगी और हमें वहाँ पहुँचा देगी. तो मैंने कहा यार ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से क्योंकि सारी चीज़ें अगर बस या नॉर्मल टैक्सी वगैरह करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी. लेकिन सबसे फास्ट यही थी. और इसमें एक और ऑप्शन भी आता है नॉर्मल ट्रेन करनी है वो भी कर सकते हैं. वो थोड़ी सस्ती पड़ सकती है लेकिन मैंने ये वाली करी. मैंने कहा ये वाली ट्रेन में भी जाके देखेंगे क्योंकि ये चाइना की सबसे फास्ट ट्रेन है जो यहाँ लाओस में चलती है. तो मैंने कहा इसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे. और दूसरा अब चेकआउट करना है रूम को नीचे चलना है. ब्रेकफास्ट रेडी है और बाइक भी वापस करनी है जो हमने कल ले रखी थी क्योंकि वो भी वापस कर देते हैं. और एक्चुअली क्या टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो टिकट मैंने बुक करी थी ट्रेन की उसके साथ कहते हैं कि वो टैक्सी वाले टैक्सी खुद ही आ जाएगी मतलब हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए होटल से. तो हमें बुक नहीं करनी पड़ेगी. चलते हैं नीचे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने पहली बार बुक करी है मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में. लेकिन कल मैंने पूछा था उनसे उन्होंने मुझे बोला था कि भाई टैक्सी मतलब खुद आपको लेने आएगी होटल पे और आपको सीधा छोड़ देगी रेलवे स्टेशन. तो अपन यहाँ से निकलते हैं. कुछ रह तो नहीं गया. ओके रिपोर्ट है. वैसे ब्रेकफास्ट जो है वो एक नंबर फ्लोर पे रेडी है लेकिन मैं एक बार रूफ टॉप पर जाकर देखना चाहता हूँ कि ऊपर है कैसा व्यू क्योंकि रूम तो इसलिए लिया था व्यू के लिए लेकिन यार रुक नहीं पाए एक दिन से ज़्यादा. मैं कोई बात नहीं लेकिन ऊपर चल के व्यू तो दिखा दें आपको. ओए होए भाई साहब रूफ टॉप पे तो मज़ा ही आ गया यार. ऊपर एक्चुअली बार भी बना हुआ है ऊपर आके बैठ सकते हो. रात को यार ध्यान ही नहीं दिया क्या अमेजिंग रूफ टॉप है. और भाई यहाँ से व्यू देख लो. ओए होए 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 भाई साहब अमेजिंग वाला व्यू आ रहा है यार. और रात को ऊपर आना चाहिए था लेकिन रात को व्यू थोड़ी दिखता. लेकिन हाँ ऊपर बार है भाई ये सही है. एक्चुअली क्या मैंने पहले आपको बताया अगर लास्ट लोग आपने देखा तो मुझे हॉस्टल बुक करना था तो वो फुल था तो हॉस्टल की जगह फिर उन्होंने मुझे ये रिकमेंड कर दिया था. और भाई मैं कहता हूँ कि मुझे किस्मत अच्छी थी कि बढ़िया वाली डील मिल गई भाई. ओए होए 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 और ये होटल भी ठीक है भाई परफेक्ट. अब चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि भाई 8:50 पे उन्होंने बोला था कि रेडियो के नीचे आ जाना क्योंकि आपकी कैब आ जाएगी. 8:30 तो हो ही गए हैं. ब्रेकफास्ट कहाँ से करेंगे. हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग. तो भाई यहाँ पे ऑमलेट का ऑप्शन था मैंने ऑमलेट ऑर्डर कर दिया. और साथ में फ्रूट ले लेंगे या थोड़े से साथ में ये ले लेंगे फ्राइड चिकन. हाउ इज द मॉर्निंग. येप लास्ट नाइट भाई देख लो ये लड़की थी जो सबसे ज़्यादा वे डांस कर रही थी. ये सही है भाई एक्सयूवी है. ये एक्चुअली क्या है कि ये जो ट्रेन है ना जैसा मैंने आपको बताया इसके साथ इंक्लूड है ये वाली मतलब कि आपकी पिकअप आपको यहाँ से पिकअप करके रेलवे स्टेशन छोड़ेगी. अब मुझे नहीं पता इनका क्या फंड है लेकिन ये टिकट के अंदर इंक्लूड है. थैंक यू. ये सारी की सारी मार्केट लगी हुई है. सुबह सुबह ही खुली हुई है. सुबह के 9 बजे हैं अभी. हेलो तो वह आप पहुंच गए स्टेशन. सामने स्टेशन है और ऐसा लग रहा है जैसे चाइना ने अलग से पूरे लैंड पे ही कब्जा किया है. दूर से दिख रहा है भाई साइन चाइना का. चलते अंदर अंदर दिखाते हैं आपको चाइना का भाई क्या क्या रोल है भाई हर जगह. यो मैन. तो भाई साहब अपने साथ फॉरनर भी है जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. और भाई साहब व्यू देखो यार. आई लव यू चल रहा है. भाई साहब व्यू देखो यार. हाँ ये निशान की टेरा थी जिसमें आप आया. ये एक्सयूवी है सही हैवी गाड़ी बनाई है भाई निशान ने.
तो भाई अपनी जो ट्रेन है वो है C82, 9:51 की है, 9:31 पे आएगी और अभी टाइम हो रहा है 30, मतलब एक मिनट रह गया है। ये खोल दिए वैसे इन्होंने गेट, क्योंकि भाई ये टाइम के बड़े पंचुअल है। और भाई सिक्योरिटी ओके है, यहाँ पे स्टेशन देखोगे ना अंदर से भाई पूरा का पूरा एयरपोर्ट की तरह बना रखा है, एक्सरे मशीन लगी हुई है। भाई ट्रेन का नंबर ना थाई में बोल रहे हैं C82, और यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा ना यहाँ पे भी थाई चलती है, मतलब हर जगह मतलब बोलते हैं, अगर आप थाई बोलोगे पूरी समझ आती है इनको। और भाई साहब यहाँ पे चाइना का तो पूरा तरीके से कब्जा है, एयरपोर्ट की तरह बना रखा है पूरा का पूरा स्टेशन, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई साहब, एक्सरे मशीन भी प्रॉपरली लगा रखी है जैसी एयरपोर्ट पे होती है, नॉर्मल वाली छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी वाली मशीन है, अच्छी बात है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन भाई चाइना जहाँ जहाँ घुसा है उसने बुरा हाल ही किया हर कंट्री का, और यहाँ पे लाओस में भी घुसा हुआ है तो पता नहीं कितना नुकसान होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें खाली करके ही निकलेगा जब एक जगह से घुसता है, तो आपको पता ही है। सेम साउथ अफ्रीका में जो किया था, पूरी की पूरी डायमंड माइन ही खाली कर दी है, जितने भी वहाँ पे थे सारी की चीज़ें माइन के अंदर सब खाली कर दी। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना टी शर्ट पहनी हुई है बैलून वाली, ये यहाँ का फेमस बैलून है, अगर आपने ट्राई करना एयर बलून तो वो भी है यहाँ पे। ये रह गया था अपना, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं था इधर ना। तो ये अपना 7 नंबर है, 7 नंबर पिलर पर पहुँच गए हैं वांगवेंग रेलवे स्टेशन, और ये जा रही है मालगाड़ी कंटेनर लेके, और सारे के सारे कंटेनर देखोगे ना ध्यान से चाइनीज़ हैं, क्योंकि चाइनीज़ का मैंने बताया ना आपको बहुत बड़ा होल्ड है यहाँ पे। तो ये अपना गेट खुल गया नंबर 7। अपना सीट नंबर है 12। ट्रेन चल पड़ी है अपनी। भाई सीटें भी बड़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस दे रखा है, पूरी स्पेशियस और साथ में बड़ी सीटें, और व्यू तो भाई ओसम ही है, मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। टिकट के पैसे की पूरी वर्थ है, और ये तो भाई जर्नी करना बनता ही है, अगर आप यहाँ आओ तो भाई भूलना मत, इस ट्रेन को मिस मत कर देना, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, पैसे बिल्कुल वसूल है। और इसमें आप बुक कर सकते हैं टेबल वाली सीट भी, और साथ में अगर आपको बिजनेस क्लास चाहिए तो आप बिजनेस क्लास भी बुक कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वाली बिजनेस क्लास है। भाई साहब बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, मैं कहता हूँ अगर कोई भी आ रहा है इस तरफ और किसी ने जाना है लुम्पेबांग, अगर आपने प्लान बना रखा है तो भाई ये ट्रेन जरूर बुक करना, अमेजिंग है, पैसे वसूल है सारे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये, और इसकी स्पीड भाई साहब काफ़ी ज़्यादा है, अभी डिस्प्ले होती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई साहब ट्रेन की जो स्पीड है ना इस टाइम 158 किलोमीटर पर आवर है, और बाहर से देखोगे ना, तो भाई यहाँ पे ट्रेन के अंदर खाना भी है अगर किसी को चाहिए, स्नैक्स वगैरह फूड अवेलेबल, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। हेलो भाई, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है भाई इस ट्रेन का, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, न्यू सब्सक्राइबर इज हियर, व्हाट्स योर नेम? Sara. And you? Namchim. Namchim? Yeah. Oh, so where are you from? Lao. Yeah. Oh, wow. You go to Lumpurang? Yes, we go to Lumpurang. It's a double D. Okay. Thank you. तो भाई अपने नए सब्सक्राइबर बन गए ट्रेन के अंदर भी, फायदा हो गया। ओके, अपन सैंडविच लेते हैं, बनाया ना? खोप चाय भाई, बार बार भूल जाता हूँ, खोप चाय बोलते, थैंक यू वो। तो भाई 40,000 का सैंडविच। भाई थैंक यू याद करना पड़ेगा मुझे, मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन बहुत ही यार पोलाइटली बोलते हैं, बहुत ही मतलब मीठा बोलते हैं। एक्चुअली इस ट्रेन का जो रूट है ना बहुत ही लंबा है, अब जैसे मैं लुम्पेबांग जाना ना तो डायरेक्ट जा रही है, बीच में कोई भी स्टेशन नहीं है, मतलब हेलो तो भाई मतलब बीच में कोई भी स्टेशन नहीं है, 50 मिनट पूरे लगेंगे और सीधा डायरेक्टली लुम्पेबांग। भाई यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है, अगर आपको पानी चाहिए रिफिल करना है, ठंडा गर्म दोनों, भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई बना रखी है, और ये देखो बिल्कुल मतलब स्लिम है,
बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि पानी की यहाँ पे मशीन लगी हुई है, आप आराम से अपना पानी पी सकते हैं। अमेजिंग यार, नाइस ट्रेन। सब बाहर का व्यू ऐसा है कि दिल ही नहीं कर रहा भाई नजर हटाने का, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, पूरा क्लाउडी हुआ अपना वेदर, जैसे भाई साहब कोई सपना देख रहे हो। भाई साहब ट्रेन की स्पीड 158 की है और बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रही ट्रेन, इतनी ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। मेरी ट्रे देखो, मैं ट्रे खोल रखी है और बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही है ट्रे, बहुत स्मूथ चल रही है, सेम ऐसा फील करा रही है जैसे मतलब आप फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो भाई वर्थ है यार, और सारी चीज़ें भाई साहब बिल्कुल ही लग्जरी वाली हैं, सीटें वगैरह बहुत ही कम्फर्टेबल हैं, और ये वही वाली सीटें जो घूम जाती है, मतलब राइट में लेफ्ट में जिस तरफ भी घुमानी है उस तरफ घूम जाती हैं। तो ये फाइनली पहुंच ही गए लुआंगफाबांग स्टेशन, और ट्रेन भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी और भाई बिल्कुल ही फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस था। तो पैसे यार वेस्ट नहीं है, अगर आओ तो इस तरफ ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वेस्ट हुएंगे पैसे, सही है। और अंदर खाने के लिए भी था सारी चीज़ें, जितनी भी सीट वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट वाली थी। एक्चुअली जितने भी इन्होंने स्टेशन बनाए हुए ना भाई, बहुत ही बड़े मतलब एरिया के अंदर बनाए हुए हैं। पीछे स्टेशन देख लो कितना ह्यूज है भाई, मतलब मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, समझ सकते हो आप कितना ह्यूज बना रखा है यार। और सारे स्टेशन मेरे ख्याल से ऐसे ही बना रखे हैं इन्होंने, और सारी की सारी वैन लगी हुई है बाहर निकलते ही, आपने जहाँ भी जाना है। एक्चुअली मैंने होटल अभी तक बुक नहीं किया क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था अभी तक, तो अभी मेरे को बुक करना पड़ेगा। यहाँ बैठ के देखता हूँ कौन सा आ रहा है होटल, वो बुक करता हूँ और फिर यहाँ से टैक्सी या जो भी है वो पकड़ के चलेंगे होटल तक, क्योंकि होटल में मेरे ख्याल से इस टाइम चेकिंग तो नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। तो वहाँ बैग वैग रख देंगे और उसके बाद देखते हैं। तो ये होटल बुक कर लिया है, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, और होटल से एयरपोर्ट भी कोई मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर ही है, अच्छी डील मिल रही थी वो बुक कर लिया। अब ऊपर चेक कर रहा है, टैक्सी है नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जितने भी लोगों ने बुक कर रखा है वही आई हुई हैं टैक्सियाँ, बाकी मेरे ख्याल नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर नहीं है। अगर आपको लोकल टैक्सी पकड़नी है या शेयरिंग वाली पकड़नी, मेरे ख्याल से नीचे होगी टैक्सी। टैक्सी थोड़ा था तो भाई यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पैकेज है, मतलब एक बंदे के लिए 35,000 केप जो लाउस है 35,000 देने पड़ेंगे, या फिर इनके पास पैकेज है एक या चार बंदे हैं तो भाई पैकेज ले सकते हैं, 2.5 लाख का पैकेज है अगर चार बंदे हैं तो यार आप तो कर ले सिंगल वाला ही ले लेते हैं, सिंगल बंदे के लिए 35,000 है सिटी में जाने के लिए कहीं भी जाओ। तो ये अपने कर लिए शेयरिंग वाली वैन, ये मतलब अराउंड पड़ेगी 80 बाट की अगर बाट में देखा जाए तो, तकरीबन। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपने अगर प्राइवेट करनी है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा तब है अगर आप 3-4 लोग हैं फैमिली के साथ हैं तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ शेयरिंग वाली चलती है वो कर सकते हैं। हेलो भाई, रिसेप्शन पे कोई है ही नहीं, लेकिन ये किसी के नाम की चाबियाँ पड़ी हैं, अपनी तो है नहीं। तो भाई जी, तो भाई अपने को रूम मिल गया, पहले चेकिंग कर लेते हैं और फिर सीधा निकलेंगे आगे के पैकेज के लिए, क्योंकि मुझे आगे निकलना है वाटरफॉल के लिए, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो भाई निकलते हैं वहाँ के लिए, क्योंकि मैं पहले इसीलिए मैंने प्लान किया था कि मैं रूम पे पहले जाके चेकिंग कर लूँ, बैग वैग रख के फिर सीधा निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों ऑप्शन है अपने पास, टुक टुक भी है और वैन भी है, तो दोनों में से जो बेटर लगता है वो करते हैं और निकलते हैं।